जनपद शाहजहांपुर के थाना खुदागंज पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, वहीं भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित अवैध असलहा व असलहा बनाने के उपकरण सहित वंचित अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि परमानंद पांडे क्षेत्र अधिकारी तलहर के निर्देशन में थाना खुदागंज पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है। वही 27 सितंबर को थाना अध्यक्ष वकार अहमद खां के नेतृत्व में थाना खुदागंज की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 2 तमंचे 12 बोर चालू हालत में, 2 तमंचे 315 बोर अधबने, 1 रिवॉल्वर चालू हालत में, 2 कारतूस जिंदा 12 बोर व 6 अदद खोखे 315 बोर, 1 ड्रिल मशीन आदि उपयुक्त सामान बरामद हुआ है। साथ ही इस संबंध में थाना खुदागंज में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, खुदागंज पुलिस ने एक सस्ट फैक्ट्री खुलासा, कैसे ये सफलता प्राप्त हुई, क्या बरामद की है? थाना खुदागंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एक 354 बॉक्स के वांछित अभियुक्त था पप्पू, उसकी गिरफ्तारी में दबिश दी गई। तो जंगल में एक कोठरी में अवैध असलाह की फैक्ट्री चलाते हुए मिला, उससे 2 तमंचे बने हुए, 1 रिवॉल्वर बनी हुई, भारी मात्रा में अधबने तमंचे, कारतूस, खोखा और पूरा फैक्ट्री जो उपकरण होते हैं शस्त्र बनाने के, वो बरामद हुए हैं। इस सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। थाना रौजा पुलिस द्वारा 2 शातिर कृष्ण के लुटेरे गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 29 अदद महंगे मोबाइल फोन बरामद हुए। आपको बता दें, 26 सितंबर की शाम को थाना रौजा पुलिस के मुखबिर द्वारा सूचना मिली, 2 अभियुक्त सीतापुर रोड पर स्थित टेढ़ी पुलिया पर चोरी के मोबाइल लेकर गांव में बेचने जा रहे। उक्त सूचना पर थाना रौजा पुलिस द्वारा सूचना व निशानदेही पर टेढ़ी पुलिया से दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं उनके कब्जे से 15 मोबाइल फोन बरामद हुए। वहीं अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय रवाना किया गया है। उनसे पूछताछ में पता चला है कि वो लोग मोबाइल फोन इसलिए चोरी करते हैं कि उनके मुकदमे ज्यादा कोई नहीं लिखा और महंगा फोन वो ले जाकर गाँव में गरीब एवं अनपढ़ लोगों को आधे दाम पर बेच देते हैं। सर, रोजा पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, क्या बरामद की है, क्या कार्रवाई की जा रही है? रोजा पुलिस ने चोरी के लूटे हुए मोबाइल की बरामदगी एक महत्वपूर्ण सफलता पाई है। इन्होंने 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की, सर्वेश और इलियास। इलियास रोजा रहने वाला, सर्वेश रोजा का रहने वाला है। इनके पास से कुल 29 एंड्रॉयड फोन बरामद किए गए हैं और जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपये है। इन्होंने स्वीकार किया है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं में इन्होंने चोरी करके अच्छी इनके मोबाइल प्राप्त किए थे। पुलिस ने काफ़ी जानकारी करने के बाद इनकी गिरफ्तारी की है और इनके पास के 29 मोबाइल ऐसे बरामद किए हैं। इनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।